वेलकम बैक गाइस, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं टेक विंड्रॉइड पे। सो गाइस, क्वालकॉम ने लॉन्च कर दिया एक नया प्लेटफॉर्म प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 710। सो गाइस, इसकी स्पेसिफिकेशन तो आपको बताने वाला हूं और एक क्विक कंपैरिजन करेंगे स्नैपड्रैगन 660 के साथ भी। सो गाइस, वीडियो किस के टाइम चलिए शुरू करते हैं इसकी वीडियो। ये जो प्लेटफॉर्म है स्नैपड्रैगन का 710, वो प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए है। सो गाइस, इसमें तो फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो मल्टी कोर एआई इंजन। सो इस मल्टी कोर एआई इंजन की मदद से आपको जो बैटरी की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, मतलब बैटरी की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। और तो आपको इसमें फेस अनलॉक का जो फीचर वो भी बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट देखेगा। और तो जिसमें बात करूं कैमरा मोड्स की, एआई की मदद से जो कैमरा मोड्स है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, जैसे कि आपका होगा पोर्ट्रेट मोड, वाइड एंगल शॉट या फिर ब्यूटीफिकेशन मोड, जैसे बहुत सारे मोड आते हैं वो भी आपको अच्छी तरह देखने को मिलेंगे इस 710 स्नैपड्रैगन के न्यू प्लेटफॉर्म में। सो गाइस, ये था फर्स्ट। सेकंड जो थ्योरी है वो क्वालकॉम स्पेक्ट्रा आईएसपी। सो गाइस, स्पेक्ट्रा आईएसपी की मदद से आप इधर कैमरा सपोर्ट आपको मिलता है, मतलब इधर आपको ड्यूअल कैमरा में दिखेगा 2020 में आप इस तरह का सपोर्ट, और सिंगल कैमरा की अगर मैं बात करूं तो सिंगल कैमरा में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सपोर्ट, और इसके मदद से आप जो है 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं वो भी 30 फ्रेम पर सेकेंड पे, और इसके अलावा आप 4K वीडियो और HDR वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं। सो गाइस, ये था सेकेंड पॉइंट क्वालकॉम 710। सो गाइस, अगर बात करते हैं सीपीयू की, सो गाइस क्रायो 360 बेस्ड सीपीयू है और 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है, और फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ तक ये काम कर सकता है। सो गाइस, सीपीयू तो बहुत बढ़िया दिया इन लोगों ने और 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है। सो गाइस, ये था मेरा पॉइंट 3। सो गाइस, अगर बात करूं जीपीयू की, मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की, तो इधर यूज हुआ है अटेनो का 616, जो एक बहुत अच्छा सीपीयू है जिसमें आपको सपोर्ट मिलता है 3D ग्राफिक्स का और 3D गेमिंग का। सो गाइस, बढ़िया बढ़िया प्रोसेसर के साथ, बढ़िया बढ़िया सीपीयू के साथ, बढ़िया एक जीपीयू भी इन लोग ने दिया है, मतलब Adreno का 616 जो भी लेटेस्ट है। सो गाइस, अगर बात करता हूं मॉडेम की, तो इधर आपको देखने को मिलता है मॉडेम X15, मतलब S15, जिसकी मदद से आपकी जो डाउनलोडिंग की जो एक्सपीरियंस और डाउनलोडिंग की जो स्पीड है बहुत अच्छी होने वाली है। सो गाइस, इधर आपको डाउनलोडिंग की जो स्पीड है वो मिलती है 800 Mbps, सो गाइस 800 Mbps। बैटरी लाइफ की बात करूं, सो गाइस बैटरी लाइफ इधर बहुत इंप्रूव, बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इधर आपको देखने को मिलता है AI का सपोर्ट, और तो इधर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट। सो गाइस, ये बहुत अच्छी बात है कि Qualcomm क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट इन लोगों ने दे दिया बैटरी में। सो बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होगी और आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होने वाला है। सो गाइस, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म है स्नैपड्रैगन 710। ये ना तो इतना पावरफुल है कि ये कंपैरिजन दे पाए सीधा 800 सीरीज के प्रोसेसर को, मतलब स्नैपड्रैगन के। सो गाइस, अगर बात करता हूं ये कंपैरिजन स्नैपड्रैगन 660 के साथ, सो गाइस इसकी जो परफॉर्मेंस बूस्ट है वो निकल जाती है 20% ज्यादा, और जो पावर कंजप्शन की जो स्पीड है, मतलब जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो 40% ज्यादा निकल जाती है। फिर मैं चाहे बात करूं सीपीयू परफॉर्मेंस की, या फिर सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट की, या फिर प्रोसेसिंग, या फिर एक गेम का ओपन होना, या फिर ऐप का लॉन्च होना। सो गाइस, ये एक मिड रेंज प्रोसेसर है, द मिड रेंज प्लेटफॉर्म है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो एक इंप्रूवमेंट कह सकते हैं हम स्नैपड्रैगन 660 का। सो गाइस, देखते हैं ये प्रोसेसर कब तक आता है। क्वालकॉम तो बोल रहा है 2018 के सेकंड क्वार्टर तक ये आ जाएगा, 1.5 महीने बाकी है क्वार्टर 2 खत्म होने तक, और देखना पड़ेगा कौन से फोन के साथ पहली बार ये प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये किस किस को कंपैरिजन दे पाता है। सो इस इधर मीडियाटेक की लाइन में और स्नैपड्रैगन की लाइन में दोनों के बीच में बहुत कंपैरिजन चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा सा एक बैटल करेंगे स्नैपड्रैगन वर्सेस मीडियाटेक। सो ये सही थी मेरी वीडियो, अगर आप कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं कमेंट कर दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही, टेक विंडर ओवर एंड आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।